हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर रचना गुप्ता ने उपमंडल मुख्यालय नालागढ़ में एक कार्यशाला को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रतिभा की कोई कमी नहीं है तथा उचित अवसर पर आवश्यक संसाधनों के द्वारा उसे तराशा जा सकता है। उन्होंने एसडीएम नालागढ़ महेंद्र पाल गुर्जर तथा उनके द्वारा हेरिटेज सोसाइटी नालागढ़ के माध्यम से क्षेत्र के युवाओं को शिक्षा तथा प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रति प्रेरित एवं जागरूक करने के प्रयास की सराहना की। डॉक्टर रचना गुप्ता ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों तथा हिंदी भाषी स्कूलों से पढ़ने वाले युवक युवतियों में भी उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी दौर में जानकारी अर्जित करने के अनेक माध्यम हैं। बावजूद इसके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आज भी पुस्तकें व समाचार पत्र एक कारगर माध्यम है। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं में महिला से कोई भी फीस नहीं ली जाती है। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अपनी ऐप तैयार की गई है, जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति आयोग द्वारा विज्ञापित पदों तथा घोषित परिणाम इत्यादि से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकता है। कार्यशाला में उपस्थित युवाओं ने प्रतियोगी परीक्षाओं तथा इस संबंध में उन्हें आ रही कठिनाइयों के बारे में कई व्यवहारिक सवाल भी पूछे, जिसके बारे में डॉक्टर रचना गुप्ता ने उन्हें विस्तार से बताया। कार्यशाला आयोजन के संबंध में अधिक जानकारी देते हुए एसडीएम नालागढ़ व हेरिटेज सोसाइटी नालागढ़ के अध्यक्ष महेंद्र पाल गुर्जर ने बताया कि इस कार्यशाला का उद्देश्य नालागढ़ उपमंडल के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करना तथा इस कार्य में उन्हें आ रही कठिनाइयों को दूर करना है, ताकि यहां के ग्रामीण एवं दूरदराज क्षेत्र के युवाओं का प्रदेश व राष्ट्रीय स्तर की प्रशासनिक सेवाओं में अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके। नालागढ़ हेरिटेज सोसाइटी के द्वारा मुझे जो इस के आग्रह पर मैं यहाँ आई हूँ, और मेरा मेन मकसद यही था कि बच्चों को हम अवेयर करें कंपटीशन के एंगल से, कि वो कोई घबराहट ना रखें, ना डरें, कि कोई प्रतियोगिता की जो परीक्षाएं होती हैं को हवा नहीं होती हैं, किस तरह से सिंसियरली डेडिकेशन के साथ और योजनाबद्ध तरीके से तैयारी की जानी चाहिए। खासतौर पर वो बच्चे जो गांव की पृष्ठभूमि से आते हैं, उनको लगता है कि अंग्रेजी उन्हें बोलनी नहीं आती, तो कहीं वो अपने आप को ऐसा ना समझे, तो उनके लिए कि अच्छे ढंग से तैयारी करें, और इसके दृष्टिगत उनके साथ एक संवाद कार्यक्रम था। बच्चों की फीडबैक हमें मिली है, जो तैयारी करते हैं बच्चों में भटकाव होता है और उनको समझ नहीं आता, कन्फ्यूजन की स्टेट होती है, उन्हें गाइड करने वाला कोई नहीं होता, तो हम किस तरह से उन लोगों को मोटिवेशन का स्रोत बन सके, इसकी दिशा में ही एक प्रयास था। मैं अगर अपनी बात कहूँ तो कमीशन में मेंबर होने के नाते बाद जो हमने फैसला लिया वो महिलाओं के लिए लिया कि उनको कोई फीस आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है। जब जब भी वो प्रतियोगिता की परीक्षाओं में बैठना चाहें तो वो आवेदन करें, उसके लिए उनकी कोई फीस नहीं लगेगी। पहले बच्चे क्या करते थे, डर के मारे कि इतना फीस लगेगा, दूसरे कंपटीशन में अप्लाई नहीं करते थे, तीसरे में नहीं करते थे। कोई सफलता हर बारी थोड़ी मिलती है, कई बारी बंदा सीखता भी है, अनुभव भी होते हैं तरह तरह के, तो दोबारा अप्लाई करने से वो और ज़्यादा मजबूती के साथ कॉम्पिटिशन में बैठता है। तो हमारा जो प्रपोर्शन है पोस्टों का और जो कॉम्पिटिशन के वॉल्यूम का, जो इतनी संख्या में कैंडिडेट्स आते हैं, वो बहुत ज़्यादा है, तो इसमें बच्चों को हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। कैंडिडेट्स को फीस की कमी ना हो या फीस के कारण कोई बच्चा वंचित ना रह जाए, लड़कियां, ये मेरा मेन ध्येय था। देखो, ये एक चीज़ में हम लिमिटेड नहीं कर सकते, क्योंकि हर प्रतियोगिता की परीक्षा के लिए अलग अलग एक सिलेबस होता है और उसके लिए अलग तरह की पढ़ाई का एक फ्रेम होता है, तो वो अपनी जिसमें वो अप्लाई करने जा रहा है उसके हिसाब से वो चूज़ करते हैं। लेकिन ये है कि हमने जो सर्विस कमीशन में ऑनलाइन ऐप्स डेवलप की है, और अब हम बहुत ज़्यादा डिजिटल की तरफ जा रहे हैं, बच्चे अपने मोबाइल पे ऐप डाउनलोड करके नई पोस्टें कौन सी निकल रही हैं, इन नई पोस्टों के जरिए कहाँ वो अप्लाई करें, कब रिज़ल्ट निकल गया, कब उनको पर्सनालिटी टेस्ट के लिए कॉल आ रही है, चली गई है, या फॉर्म जमा कराने की तारीख कौन सी है, तो वो एक क्लिक के जरिए आप अपने नोटिफिकेशन के जरिए प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए कोई भटकाव की ज़रूरत नहीं है।
वो बुक मेरी नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने प्रकाशित की है और वो हिमाचल की ग्रोथ जर्नी पर है। हिमाचल ने पिछले 50 साल में, क्योंकि ये हमारा स्वर्णिम समय चल रहा है, 50 साल हो गए हिमाचल को स्टेटहुड मिले हुए, तो उस पर आधारित ये बुक मैंने लिखी है। लेकिन उसी पर नहीं है, वो काफ़ी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है और पुराने समय से हिमाचल क्या था, उसकी ज्योग्राफी क्या थी और आने वाले टाइम में हमने किस किस कठिनाइयों को दूर करते हुए नए आयाम ऊर्जा के क्षेत्र में स्थापित किए, परिवहन के क्षेत्र में स्थापित किए, सड़कों के क्षेत्र में स्थापित किए और किन किन लोगों ने उसमें अपना योगदान दिया, उस पर फोकस्ड है। कुल मिलाकर हर चीज़ का उसमें संक्षिप्त विवरण है और देव धरा के नाम से इसको अभी माननीय राज्यपाल जी ने लोकार्पण किया। हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए नालागढ़ से सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।